इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मुतवक्के धरने के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कैंटीनर्स लगाना मसले का हल नहीं, इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए, रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। कंटेनर्स लगाना मसले का हल नहीं, इंतजामिया कोई जदीद तरीका अपनाए, रियासत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। अगर रावलपिंडी में कुछ होता है तो भी इस्लामाबाद आने वालों को दुश्वारी हो सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स धरने के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर दिए। अदालत ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त वापस लेने पर ताजरों की दरख्वास्त निपटा दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था, अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किल, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत आवाम के दुआओं की। इस हारे आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।